नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रेडिक्शंस में। बांग्लादेश वर्सेस साउथ मैच नंबर 23, टॉस टीम स्कोर कौन जीतेगा सारी चीजें बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं आपस में ये टीमें कितनी बार खेली है। टोटल 24 ओडीआई खेले हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका जीती है 18 मैचेस, बांग्लादेश जीती है 6 मैचेस और टाई हुआ एक भी मैच नहीं। और सबसे बड़ी खासियत साउथ अफ्रीका की कि भाई साहब 18 में से जो 10 मैचेस वो जो घर में जीती है उनके, पर 7 मैचेस उनके देश से बाहर जाके जीती है। और यहाँ पर बांग्लादेश का रिकॉर्ड बहुत ही बेकार है, घर में भी 2 ही जीती है और बाहर भी 2 ही जीती है, तो ये स्थिति है इनकी। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की। यहाँ पर बांग्लादेश अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि 4 मैचेस खेले साउथ अफ्रीका के साथ में, हेड टू हेड बता रहा हूं, 2 बांग्लादेश जीती और 2 साउथ अफ्रीका जीती भाई साहब। और हाईएस्ट स्कोर बांग्लादेश ने बनाया 330 रन और साउथ अफ्रीका भी कम नहीं पड़ती, 309 रन बनाया है। साउथ अफ्रीका किसी टीम है कि 20 पैसे आके हार जाती है या 20 पैसे आके जीत जाती है, ये टीम साउथ अफ्रीका की जिसपे आप भरोसा एकदम से मत करना, कभी भी जीतने लग जाएगी कभी भी हारने लग जाएगी, ऐसी टीम है साउथ अफ्रीका की। पॉइंट टेबल की बात कर लेते हैं, देखो कहां पर है साउथ अफ्रीका, थर्ड नंबर पे। अगर इस मैच को जीतेगी तो ऊपर आ जाएगी सेकंड नंबर पे, ठीक है। टॉप पे इंडिया और बांग्लादेश की टीम देखो कहां पर है, 4 में से 1 ही जीती है, लगभग बाहर हो चुकी है टीम। अब वेन्यू बता, वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। देखो यार करके प्रेडिक्शन, साउथ अफ्रीका भी फेवरेट है, दूसरे नंबर पे है, बांग्लादेश की टीम 7वें नंबर पे लगभग। अब कंपेरिजन कर लेते हैं, है ना, हर चीज़ डिटेल में नहीं बता सकता इसलिए नॉर्मल आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर पॉइंट टेबल पे दोनों का कंपेरिजन करेंगे, साउथ अफ्रीका की टीम तीसरे नंबर पे, ये है 7वें नंबर पे। साउथ अफ्रीका की टीम 4 में से 3 जीती है, 1 हारी है और ये हो गया इसका उल्टा, सिर्फ 1 जीती है और 3 हारी है। तो यहाँ पर लड़ा हो गया साउथ अफ्रीका का भारी। बैटिंग यार देखो पिछले मैच में देखो क्या शानदार बैटिंग करी है, बैटिंग ओके ओके है, ज्यादा अच्छी बैटिंग इनकी बांग्लादेश की। बॉलिंग बहुत ही शानदार, क्या स्विंग करवा रहे हैं, एकदम से बाउंसर वगैरह जो आ रही है बॉल पे, ऐसे खड़े हो जाते हैं प्लेयर और एकदम से यूं करना पड़ता है इनको, ऐसे करना पड़ता है, तो स्विंग वगैरह खतरनाक मिल रही है। बॉलिंग बहुत शानदार है मैं बोलूंगा, बॉलिंग डालते हैं और ये चौका, ये चौका, ये फ्लैट छक्का, ऐसे ऐसी बॉलिंग है इनकी। फील्डिंग तो भैया है यार इनकी करना, फील्डिंग के मामले में तो इनकी बात ही नहीं करना, फील्डिंग भाई साहब जोरदार है इनकी। चलो टॉस कौन जीत सकता है, टॉस जीत सकता है इस मैच में बांग्लादेश। स्कोर अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है 260-270, हालांकि पिच बैटिंग है पर स्कोर एवरेज ही बनेगा। अफ्रीका 270-280, जो भी इस मैच को जीतना चाहेगा डिफेंड करके जीतना चाहेगा, क्योंकि वानखेड़े की पिच बहुत खतरनाक है भाई साहब, दे लंबे लंबे चौके छक्के आराम से चेज होते हैं, पर बांग्लादेश का थोड़ा सा आज के मैच में मुश्किल लग रहा है, पर ये मैच है कुछ भी हो सकता है। ग्राउंड है वानखेड़े, पिच है बैटिंग, पेसर को फायदा होगा, आउटफील्ड तेज है। आउटफील्ड क्या होता है, जब आप मारते हो तो ग्राउंड कितना तेज है, मारते से ही चौका चले जाता है भले टाइमिंग होनी हो, तो उसका आउटफील्ड बहुत तेज है। करते हैं टीम के प्रेडिक्शन की, फाइनली वो जाता है साउथ अफ्रीका के साथ। पर एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, साउथ अफ्रीका की ऐसी टीम है, मैंने फिर बार बार बता रहा हूं, अभी एकदम ब्लाइंड भरोसा मत करना, बुक सेट करके चलना दोनों साइड, क्योंकि 20 पैसे हाके ये जीत भी जाती है और हार भी जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ये थी प्रेडिक्शन हमारी।